नमस्कार मित्रों वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज यूट्यूब चैनल क्लासेस एंड ऑन दिस चैनल वी नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 1978 एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अप्रोप्रिएशन एंड री अप्रोप्रिएशन मैं रूल टेन अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन क्या होता है इसकी चर्चा हम बड़े विस्तार से इससे पहले के दोनों वीडियो में कर चुके हैं जो फंड एलोकेशन होता है जिस हेड में सैकड़ों हेड हो सकते हैं और जिस हेड में फ़ंड एलोकेशन होता है उसी को अप्रोप्रियशन कहते हैं और जब बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन जब उस हेड में वो खर्चा ना हो करके दूसरे हेड में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो उसको री अप्रोप्रिएशन कहते हैं तो रूल टेन में अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन के रूल बताए गए हैं उनको हम देखते हैं क्या कह रहे हैं नो फंड्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड एक्सपेंडिट वाले पड़े रहने दीजिए उसमें से चवन्नी बार खर्चा नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस जॉब को करने के लिए सेंसन कंपेटेंट ऑथरिटी से नहीं मिलता कंपेटेंट ऑथरिटी का सेंक्शन मिलेगा तभी उसमें से खर्चे हो सकते हैं तो अगर कॉम्पिटेंट ऑथरिटी के सेंक्शन नहीं मिले तो उस हेड में एलोकेशन जो है वो पड़ा रहेगा उसको खर्चा आप नहीं कर सकते हैं फंड्स प्रोवाइडेड फॉर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड री अप्रोप्रिएटेड टू मीट वोटेबल एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा सो कहने का मतलब यह है कि अप्रोप्रिएशन भी हमने बताया और री अप्रोप्रिएशन भी हमने बताया कुछ केसेस में री हो सकता है लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर रीएप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता जिसमें ये चार्ज एक्सपेंडिचर आता है चार्ज एक्सपेंडिचर में अप्रोप्रिएशन नहीं होता है अप्रोप्रिएशन वोटेबल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होता और वोटेबल एक्सपेंडिचर से चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए भी रीएप्रोप्रिएशन नहीं होता है जितना अमाउंट उसमें डाला गया उसी हेड में उसको एक्सपेंड किया जाता है री अप्रोप्रिएशन फ्रॉम वन ग्रांट अप्रोप्रिएशन फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर टू अनदर ग्रांट टू अनदर चार्ज एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नॉट परमिशिबल सो री अप्रोप्रिएशन जो है एक ग्रांट से दूसरे चार्ज में और एक चार्ज से दूसरे ग्रांट में नॉट अलाउड फंड नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और री अप्रोप्रिएटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन है न्यू सर्विस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस नॉट कम कंटेम्पलेटेड इन द बजट एज अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट जितना भी अप्रोप्रियशन हुआ है री अप्रोप्रिएशन होगा इससे किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट को आप शुरू नहीं कर सकते तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक कि पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल नहीं मिलता पार्लियामेंट ने जिस चीज़ के लिए अप्रूवल दिया है अगर न्यू हेड में दिया है तो न्यू में करेंगे स्पेशल रिपेयर में दिया है तो स्पेशल रिपेयर में करेंगे मेंटेनेंस एंड में दिया है तो मेंटेनेंस एंड में दिया है माइनर वर्क में दिया है तो माइनर में खर्चा करेंगे मेजर एड में दिया है, तो मेजर में खर्चा करेंगे कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने जो सेंक्शन पास किया है उसी के अनुसार आप अप्रोप्रिएशन रिअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं उससे लेफ्ट राइट अप्रोप्रिएशन रिअप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड और क्या क्या है प्रायर अप्रूवल ऑफ़ द पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फ़ंड इज़ रिक्वायर्ड सो कंसोलिडेटेड फ़ंड में से कुछ भी खर्चा करना है तो उसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ़ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड और इसी के लिए साल में एक बार यूनियन बजट पेश किया जाता है और साल भर का उसमें लेखा जोखा भी रखा जाता है और साल भर का अप्रोप्रिएशन करके और इस हेड में ख़र्चा करना है इस हेड में खर्चा नहीं करना है उसका पूरा साल भर में प्लानिंग कर लिया जाता है और उस प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट करना बाकी होता है सो so, बजट में जो पास हो गया उसी को यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर पास नहीं हो बजट में अगर शुगर मिल पास हुआ है तो आप आयल मिल नहीं लगा सकते हैं बजट में अगर राइस मिल पास हुआ है तो शुगर मिल नहीं बना सकते हैं जो बजट में पास हुआ है वही उसी के अनुसार हमें खर्चे करने हैं अगर उसको बदलना है तो फिर से पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा पार्लियामेंट अगर उसको चेंज करती है तभी आप कर सकते हैं नहीं चेंज करती नहीं कर सकते हैं तो क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या नहीं खर्चा कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर सेटिंग अप ए न्यू अंडरटेकिंग कोई भी न्यू अंडरटेकिंग आप तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता टेकिंग अप ए न्यू एक्टिविटी बाई एन एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उसी से कुछ नया एक्टिविटी करना है एंड इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है पार्लियामेंट से परमिशन लेना है फॉर सेटिंग अप ए न्यू पब्लिक सेक्टर कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा आर आई एन एल है कोल इंडिया लिमिटेड है एम टी एन एल है बी एस एन एल है एच ए एल खूब बढ़िया से पैसा कमा रही है भील पैसे से अच्छे से पैसे कमा रही है फॉर सेटिंग ऑफ ए न्यू पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर नया पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको सेटअप करना है पार्लियामेंट से परमिशन लेकर के आना पड़ेगा वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगते हैं इसलिए भी पार्लियामेंट का इसमें अप्रूवल की ज़रूरत है फॉर स्प्लिटिंग ऑफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी है मालगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज सो किसी कंपनी को बड़े कंपनी को दो भागों में बांटना है उसको स्प्लिटिंग कहते हैं दो भाग तीन भाग में बांट सकते हैं और नहीं तो दो चार भाग की जो कंपनियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना कोई एमालगमेशन कहते हैं तो चाहे स्प्लिटिंग करना हो चाहे एमेलगमेशन करना हो इसके लिए भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए फॉर टेकिंग अप न्यू एक्टिविटी बाई एन एग्जिस्टिंग कंपनी जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है एग्जिस्टिंग कंपनी इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दिया तो एग्जिस्टिंग कंपनी को कोई न्यू एक्टिविटी शुरू करना है जैसे बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम है बैंकिंग करना अगर वो इंश्योरेंस का काम भी करना चाहते हैं अगर वो जनरल इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं अगर अगर स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस का काम करना चाहती है अगर स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड का काम करना चाहती है पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकते हैं इनसे इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कमिंग अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट विद द अप्रूवल ऑफ़ द पार्लियामेंट सो कई बार क्या है कि आपको बींग ए गवर्नमेंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है जैसे कि जब टाटा इंडिया थी तो टाटा इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज किया उसको एयर इंडिया बनाया तो एयर इंडिया बनाने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ा तो इस तरीके से जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको परचेज करना चाहते हैं बाय करना चाहते हैं उसमें अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के हम ऐसा नहीं कर सकते पार्लियामेंट का अप्रूवल इन लोगों में भी चाहिए इन द केसेस ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट एब रूपीज वन इन एन एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग प्राइवेट सो जिसमें पहले से ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जिसमें पहले से ही गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो और <coughs> चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो उसमें छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट तो हम और कर सकते हैं लेकिन अगर एक करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए इन द केस ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन लोन्स एब रूपीज ट्वेंटी लाख टू एन एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर में एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर में जिसमें हम पहले से ही अपना लोन दे चुके हैं उसको अगर 20 लाख तक तो हम लोन दे सकते हैं बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से 20 लाख से ज़्यादा का अप्रूवल का, का अगर लोन हमें देना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल हमें लेना पड़ेगा इन द केसेज वेयर देयर इज बजट प्रोविजन एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज बिटवीन रुपीज वन करोड़ टू रुपीज हंड्रेड करोड़ द लिमिट फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट रेंज बिटवीन अब ट्वेंटी लाख टू रुपीज 15 करोड़ इन केसेज वेयर देयर इज एफ बजट प्रोविजन एंड पेड अप कैपिटल जिस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो वन करोड़ से लेकर के हंड्रेड करोड़ के बीच में है मतलब बिग वेरी बिग बिग कंपनी जिस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वन करोड़ से हंड्रेड करोड़ के बीच में है उनके लिए ये जो सेकेंड हम पढ़े थे कि ट्वेंटी लाख से ज़्यादा का परमिशन लेना पड़ेगा उनके लिए पंद्रह करोड़ तक का हम बिना पार्लियामेंट के परमिशन से भी हम उसमें लोन दे सकते हैं एक्सपेंडिचर कर सकते हैं पंद्रह करोड़ से ज़्यादा के लिए हमें पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा अप्रूवल कराना पड़ेगा द एक्सपेंडिचर बिलो द लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल कैन बी मेड फ्रॉम द अप्रोप्रिएशन री अप्रोप्रिएशन ऑफ सेविंग्स इन ए ग्रांट सब्जेक्ट टू रिपोर्ट टू सो so, क्या कह रहे हैं कि द एक्सपेंडिचर बिलो द लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट अभी हमने बताया इसमें पार्लियामेंट के लिमिट क्या है यहां पर 20 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे यहां पर 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे यहां पर 15 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे तो अगर ये 15 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे 14 करोड़ जो आपने खर्चा किया उसका क्या करेंगे तो उसका जो कुछ भी करेंगे इसमें क्या करेंगे जो पार्लियामेंट के विद इन लिमिट में है ट्वेंटी लाख बोल रहे हैं तो नाइनटीन लाख पार्लियामेंट के लिमिट में हो गया तो इट कैन बी मेड फ्रॉम द री अप्रोप्रिएशन ऑफ सेविंग्स इन ग्रांट सब्जेक्ट टू रिपोर्ट सो इसमें आप खर्चे कर सकते हैं री रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा बस ये है कि आपको बाद में पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने इसमें खर्चा किया है एक्सपेंडिचर अब टेन लाख एंड अप टू फिफ्टी लाख ऑन न्यू वर्क लैंड बिल्डिंग एंड और मशीनरी कैन वी मेड फ्रॉम सेव सेविंग्स इन ए ग्रांट बाई री अप्रोप्रियशन सब्जेक्ट टू रिपोर्ट टू सो कह रहे हैं कि दस लाख से ले कर पचास लाख के बीच में अगर कहीं लैंड है बिल्डिंग है मशीनरी है तो उसको री अप्रोप्रिएशन करके आप खर्चा कर सकते हैं खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है बट पार्लियामेंट को बाद में उसको बताना है और पचास लाख से ऊपर के जो एक्सपेंडिचर हैं लैंड में बिल्डिंग में मशीनरी में उसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज़ डेटरी यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्लासेज अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए अगर अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए in case of granting aid to statutory and other public-private institutions under revenue expenditure, the prior approval of parliament for meeting the expenditure out of the consolidated fund of india is required above the following limits. सो so, ग्रांट जब जब हम कभी ग्रांट भी देते हैं तो ग्रांट देते समय भी एक लिमिट यहाँ पर है इस लिमिट से ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन इन रिसेप्ट ऑफ ग्रांट इन एड एब वन करोर टू एबब वन करोर अप टू टेन लाख सो जिसको हम एक करोड़ का ग्रांट देते हैं उसको टेन लाख तक का हम ग्रांट दे सकते हैं टेन लाख ,00 से ऊपर पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए लाख से नीचे पार्लियामेंट खर्चा कर दीजिए बाद में बता दीजिए इंस्टीट्यूशन टेन परसेंट ऑफ द बजट्स और टू करोड़ सो इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन इन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट है फॉर इंस्टीट्यूशन इन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इन एड है एबव वन करोड़ और इसमें क्या इसमें भी एबव वन करोड़ है सो so जो एबव वन करोड़ है इसमें रुपीज़ टेन लाख बता रहे हैं इसलिए कि ये टेन परसेंट होता है इसका टेन परसेंट यहाँ पर बता रहे हैं इसका मतलब कि ये टेन लाख होता है बट अगर ये एबवन करोड़ है अगर ये फिफ्टी करोड़ हो गया तो फिफ्टी करोड़ हो गया तो इसका टेन परसेंट कितना होगा फ़ाइव करोड़ होगा तो मैक्सिमम टू करोड़ ही इसमें खर्चा कर सकते हैं फाइव करोड़ नहीं कर सकते हैं फाइव करोड़ के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज़ मैंडेटरी ग्रांट इन एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अदर दैन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम एब लाख फाइव लाख से ऊपर है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा ग्रांट इन एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अदर दैन फॉर एक्सपोर्ट स्कीम नॉन रेकरिंग नॉन रेकरिंग के लिए रेकरिंग के लिए फाइव लाख लिमिट है और नॉन रेकरिंग के लिए टेन लाख रिमिट है राइट ऑफ ऑफ गवर्नमेंट लोन्स एब रुपीजन लाख हैजू बी रेफर टू द पार्लियामेंट सो राइट ऑफ़ क्या होता है कहीं न कहीं पे लॉसेज हो जाते हैं कंपनी को लॉस हो गया चाहे कोई प्रोजेक्ट है कोई स्कीम है उसमें लॉस हो गया तो लॉस जो होगा एक लाख तक का जो लॉस है वो तो डिपार्टमेंट झेल सकती है अगर एक लाख से ज़्यादा का लॉस है इंडिविजुअल केस में इट हैज़ टू बी रेफ़र टू पार्लियामेंट फॉर राइट ऑफ राइट ऑफ़ का मतलब क्या होता है वेवर होता है वेवर का मतलब माफ़ करना होता है फंड्स फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड इन ग्रांट एक्सेप्ट इन केसेस इन्वॉल्विंग फॉरन एक्सचेंज प्रोवाइडेड दैट नो रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम कैपिटल टू रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा सो रीअप्रोप्रियशन जो है कैपिटल से रेवेन्यू रेवेन्यू से कैपिटल हेड में नहीं हो सकता ये अलग अलग हेड है ये जो वर्कस डील करते हैं उसमें होता है कैपिटल हेड अलग होता है रेवेन्यू हेड अलग होता है मेजर हेड अलग होता है माइनर हेड अलग होता है मेंटेनेंस हेड अलग होता है स्पेशल रिपेयर हैड अलग होता है कमिटमेंट्स आर नॉट मेड बियॉन्ड द एलोकेशन फॉर द स्कीम ड्यूरिंग द प्लान पीरियड सो कम जितना आपका एलोकेशन है उसी एलोकेशन में आपको उस साल में फुलफ़िल करना है उससे पढ़ना नहीं है सेविंग्स इन रेवेन्यू सेक्शन आर नॉट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन इन कैपिटल सेक्शन एंड वाइस वर्सा इन द सेम डिमांड फॉर ग्रांट

ट्रेवल एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनेंस प्रोविजन अंडर ट्रेवल ट्रेवल एक्सपेंस दस टेन परसेंट बढ़ जाएगा ट्रेवल एक्सपेंस मिनिस्ट्री डे टेन परसेंट तक बढ़ा सकती है लेकिन सैलरी हेड से कोई भी पैसा कहीं पर भी अप्रोप्रिएट कैन नॉट बी री अप्रोप्रिएटेड किसी दूसरे हेड में नहीं जा सकता सैलरी वाला जो है सैलरी वाले को ही पे करना है सो so, इस सेशन में हमने री अप्रोप्रियशन एंड अप्रोप्रियशन अंडर रूल हमने इसके बारे में डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त की लाइक like कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कर दीजिए और आपके मन में अगर कुछ विचार हैं कुछ कम्प्लेन है कुछ शिकायत हैं कुछ प्रशंसा है तो कॉमेंट